साहिबगंज के दो दिवसीय दौरे पर आए सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सिद्धू कानू की जन्मस्थली भोगनाडी पर पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनके परिजनों से मुलाकात कर परिसंपत्ति का वितरण किया और सरकारी मंच से 156 करोड़ योजना का उद्घाटन किया एवं 600 करोड़ रुपये की लागत की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई नियुक्ति पत्र भी बांटे, साथ ही मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा आइए हम सुनते हैं। सिद्धू कानू के जयंती और शहादत दिवस बरसों से मनाते आ रहे हैं, अब चूंकि ये कार्यक्रम सरकारी स्तर पर भी घोषित है तो इस प्रकार हर साल उनकी याद में सरकार के द्वारा कई परिसंपत्तियां यहां बांटी जाती हैं, ग्रामीणों को राशि उपलब्ध कराना, खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति और विभागों में कई लोग अपने परिजनों के देहांत होने के बाद बिहार में रहने वाले उनकी नियुक्ति का कार्यक्रम आज इस मंच से किया गया है। ढेर सारी ट्रैक्टरें लगी हैं, एम्बुलेंस लगा हुआ है, एलईडी गाड़ी लगी हुई है, और सरकार का बिल्कुल स्पष्ट यह मानना है और सरकार के मुलाजिम, सरकार के कर्मचारी जिस चीज के लिए तनख्वाह उनको दिया जाता है, कोई इस राज का पंचायत का व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि हमारे पंचायत में आज तक कभी कोई शिविर नहीं लगा, कोई ना कोई शिविर, कोई ना कोई विभाग किसी ना किसी गांव पंचायत में जाकर के आपके दरवाजे में शिविर लगा करके योजनाओं की जानकारी आपको दे रहे हैं। क्योंकि हमने ये महसूस किया था कि बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं जो पदाधिकारी एयर कंडीशन कमरा में और रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कागजों पर ही बना करके खत्म कर देते थे, अब वो परंपरा को खत्म करते हुए उन योजनाओं का गठरी बांध बांध करके चाहे वो गांव कितना भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में क्यों ना हो वहां जाकर के उनको देने का काम कर रहे हैं ताकि इस राज्य के लोगों को उसका हक अधिकार मिल सके। आवाज धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आज सरकार की योजनाएं भी गांव तक जाती है और सरकार की आवाज भी और सरकार की नजरें भी जा रही है। अभी ये एलईडी बस जो टीवी आप सामने देख रहे हैं, इस माध्यम से आप सब लोग सरकार की योजनाओं का लाभ के बारे में, योजनाओं के बारे में जान रहे हैं। अगर चाहे तो एक पंचायत का पूरा खेत अकेले 12 ट्रैक्टर मिलकर के जोत करके खेती का बेहतर फसल उगा सकता है। जीने पर मजबूर है, आज की अर्थव्यवस्था, आज का महंगाई आसमान छू रहा है, हमारे चंद विरोधियों की वजह से आज तरीके से चरमरा आ गई है कि आज लोगों को राशन कार्ड के बदौलत जिंदा रहना पड़ता है। अगर राशन कार्ड ना मिले तो लोग भूखा मर जाए, लेकिन हम आज वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि राशन कार्ड से मिलने वाला अनाज से बेहतर अनाज अपने पैसे से खरीद करके आप खा सकते। आज हम लोगों ने सिद्धू कानू फेडरेशन का अभी उद्घाटन किया, इसमें लगभग
एक महीने के अंदर इसमें लगभग 28-30 लाख लोगों को इसका सदस्य बनाना है। और इसका उद्देश्य है नवा सिद्धू कानू महासंघ ले तैन